हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिग्गज शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि डेट फ्री है। और मैंने थर्सडे को एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसका जिक्र किया था। ओके, तो उस शेयर में जब मैंने उसका जिक्र किया था, उसका प्राइस कुछ और था। और आज के दिन ही उस शेयर ने ऐसी जंप लगाई है कि काफ़ी अच्छी उसमें जंप देखी गई है। तो उस शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, तब भी वो शेयर काफ़ी नीचे था। फिर मैंने थर्सडे को एक वीडियो बनाई थी और आज के दिन दोबारा उसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके साथ में पेश करता रहूँ। तो पहले हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट से रिलेटेड। तो देखिए, वन डे का परफॉर्म है, आज के दिन ही लगभग 13% की जंप, वन वीक में 27, वन मंथ में 31, थ्री मंथ में 56, सिक्स मंथ में 135। ओके, एंड आपको बताना चाहता हूँ, फोर इयर्स में मैक्सिमम जो हमारा पीरियड्स होता है, थ्री इयर्स में 307.83% और फोर ईयर्स में 439.06%। मतलब जब से कंपनी लिस्ट हुई है, चार साल हो गए कंपनी को लिस्ट हुए, तब से परफॉर्मेंस देती आ रही है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। तो एक बार इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते थे, तो आपको बताना चाहता हूँ कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.15 है। ओके, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर उनके पास है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी थी अभी, तो 9.76% अभी हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटा के 5.19, इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी 1.43% की हिस्सेदारी, अदर DIs 0.65 और नॉन इंस्टीट्यूशन 8.46% की। और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है प्रमोटर्स में लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड, 74.51% की हिस्सेदारी पूरी की पूरी लार्सन एंड टोब्रो की है। तो शायद आपको नाम से पता चल गया होगा किस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो लार्सन एंड टोब्रो का एक शेयर है। ओके, लार्सन एंड टोब्रो एक दूसरा शेयर है जो कि आपको इतना कुछ खास भागता हुआ, बट इसकी एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, वो आपको भागती हुई नज़र आ रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट पेश करते हुए, जो कि मैंने आपको सामने पेश भी कर दिया। तो पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो रिजर्व्स एंड रिजर्व्स की बात करते हैं, सरप्लस की बात करते हैं, तो देखिए कंटिन्यूसली रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1846, फिर 2959, 3701, 4696 और अभी 4211.40। मतलब ये करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो 5211.4 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स इस कंपनी के पास है। और डेट, जैसे कि मैंने बताया था, डेट फ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो, तो कोई भी तरीके का कर्ज इस कंपनी के पास नहीं है, कोई भी प्लेज नहीं है शेयर। एज वेल एज के इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो करंट इन्वेस्टमेंट देखिए, क्या करंट इन्वेस्टमेंट भी 6 करोड़ रुपए कहाँ जब 5 साल पहले थे, और अभी देखिए लगभग 2218.5, मतलब 2218.5 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने कर रखे, जो कि बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो देखिए लगभग 371.40 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स कैश एंड कैश बैंक बैलेंस इस कंपनी के पास है, जो कि कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंपनी 5 स्टार, एकदम 5 स्टार कंपनी है। ओके, किसी भी तरीके का कोई लेन देन, मतलब कोई भी गड़बड़ी इस कंपनी में अभी तक नज़र नहीं आती है। एज वेल एज डिविडेंड की बात की जाए, काफ़ी बेहतरीन, मतलब 1250% के मतलब यहाँ पर आपको डिविडेंड दिए जा रहे हैं। बोनस स्प्लिट राइट इशू अभी आया नहीं है, क्योंकि कंपनी जस्ट अभी आई है, बट कंपनी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, तो इससे कह सकते हैं कि शायद बहुत जल्दी हमें ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी। तो आइए उस शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं। देखिए, मैंने थर्सडे को एक वीडियो बनाई थी, देखिए ओके 36 पीपल ने यहाँ पर देखी थी, ने न्यू चैनल है मेरा, तो अभी लोग ज़्यादा एक्यूरेट देखते नहीं है। तो 8 अक्टूबर 2020, ओके, मतलब अभी थर्सडे को ही 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस शेयर LNT की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसका प्राइस कितना था मैं आपको दिखा देता हूँ, 2853 उसका प्राइस था। तो आप ध्यान रखिएगा इसका 2853। एज वेल एज मैं इसके यहाँ पर बता देता हूँ, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, ओके एक महीने हो गए, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब इसका प्राइस लगभग 2400 के आसपास था। ओके, 2400 के आसपास उसका प्राइस हुआ करता था, और अभी लगभग, और थर्सडे को 28 था, और अभी जब मैं दोबारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो लगभग 3200 रुपीज़ का इसका प्राइस आपको नज़र आ रहा है।
ओके, और ये 32 पर दिखाने के लिए मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया, मैंने आपको बताने के लिए कि आज के दिन जो इसका मैक्सिमम हुआ है, जो इसने 52 वीक हाई लगाया है आज के दिन लगाया, और कितना लगाया है 52 वीक हाई, 3512.7 रुपीज़ का इसका हाई है, मतलब 3500 रुपये तक ये कंपनी आज गई थी। और लास्ट में मतलब 20% का सर्किट लगाने वाली थी, 18 point something तक पहुँच गई थी, और लास्ट में बिकवाली देखने को मिली, तो अभी 9.28% की यहाँ पर सीधे जंप, मतलब 271.75 रुपीज़ की जंप यहाँ पर देखी गई है। अगर मैं आपको पैंडामिक से दिखा देता हूँ, तो पैंडामिक से आप ये शेयर 1200 कुछ रुपये का मिल रहा था, जो कि अभी अगर देखा जाए, एक मिनट, ओके, यहाँ पर रिजल्ट्स की बात की जाती है तो देख लीजिए, यहाँ पर लगभग 150% के रिटर्न आपको सीधे दिखा रहे हैं, मतलब 52 वीक लो 1210 रुपये का था। आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, 1210 रुपये के 19 मार्च को पेंडामिक में जब मार्केट गिरी थी, 1210 में मिल रहा था, और आज लगभग तीन गुना कह सकते हैं, तीन गुना कंपनी आ गई थी, क्योंकि इसने 52 वीक हाई आज की डेट में इसने बनाया। 30% की डिलीवरीज साफ उठाती हुई दिख रही है, पी रेशो 32 का है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया है, डिविडेंड भी मैंने आपको परसेंटेज बता दिया कितने, तो देखिए दो दो बार, मतलब दो दो बार आपको ये डिविडेंड देती हुई नज़र आ रही है हर साल, 2018 में 13.5 12.5, 2019 में 15.5 12.5, और 2020 में 15.5, और अभी आगे चल के एक बार और दे देगी अक्टूबर में, जैसे अक्टूबर नवंबर में देती है, तो अभी रिजल्ट भी आने वाले होंगे, तो जैसे ही रिजल्ट आएंगे तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन आपको वो भी देगी, और किसी भी तरीके का प्लेज नहीं है। तो जैसे कि ये बताना चाहता हूँ, लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, 57,000 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटल है, और परफॉर्मेंस देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ बना के बताया है कि बेस्ट पाँच, अगर हम बात की जाए बेस्ट पाँच कंपनीज़ की, कौन कौन सी कंपनीज है आईटी सेक्टर में, क्योंकि आज की डेट में आईटी सेक्टर काफ़ी भाग रहे हैं, काफ़ी भाग रहे हैं, हर कोई ऑनलाइन आ रहे हैं, और ऑनलाइन आने के बाद काफ़ी अच्छा आईटी शेयर में उछाल देखा जा रहा है, तो इसलिए बताना चाहता हूँ आईटी शेयर की तरफ नज़र रखिए। ओके, आपको अगर ये बाय इनमें SIP करते रहिए, बाय ऑन डिप्स पे मिल रहे तो बाय ऑन डिप्स पे लेते रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, काफ़ी अच्छी तरह आप अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे रिटर्न आपको देंगे, 4 साल में लगभग 450% के रिटर्न, क्या चाहिए आपको, बैंक में रखेंगे तो आपको 4 साल में मुश्किल से अगर 9% भी मिलते हैं तो 45 or 50% के रिटर्न मिलेंगे, और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं 450% के रिटर्न, तो आपको क्या चाहिए। और बेस्ट कंपनीज़ की बात की जाए तो मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ओके, तो बेस्ट आईटी कंपनीज, उनसे थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ कर रखा है, तो इसको वीडियो को देखना मत भूलिएगा, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। तो दैट्स इट दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक तो इसे कम तो इसे लाइक कमेंट शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो शेयर बाजार से आपके पास मैं डेली लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।